जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है, एक घटिया सोच का प्रतीक है। कोरोना वायरस को लेकर के जिस प्रकार से पूरे देश को लॉकडाउन किया गया, हवाई रेल सभी सेवाएं बंद है, ऑफिसेज बंद हैं, और इस हालात में सभी को ये भी कहा गया कि अपने घर में बैठें। महामारी किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं देखती है, वो किसी को भी निशाना बना सकती है। जब मंदिर बंद हैं, मस्जिदें बंद करने को कहा गया है, आम जगह पर लोगों को इकट्ठा होने के लिए मना किया गया है, तो निज़ामुद्दीन में लोग किस पर्पस को लेकर के इकट्ठे हुए थे, इसकी जांच करनी होगी। पुलिस के आदेश के बाद या जिस प्रकार से ये महामारी उनके द्वारा मल्टीप्लाई होती चली गई और आज उसी के कारण से लोग मरते जा रहे हैं, इसको सहन नहीं किया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से कि आपकी ये जो घटिया सोच है, इसी ने देश की तबाही की है, कश्मीर की तबाही की है, और इस सोच को आप बदलें। अगर नहीं बदला तो इस प्रकार के लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।